हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपका होस्ट और दोस्त कुणाल कुमार। बार बार आता रहूंगा, आपके दिलों में जोश जगाता रहूंगा। हेलो, हाँ सचिन, बताओ। मेरा ऐसी गेमिंग कब तक जियोगे सचिन बाबू जी? इधर उधर फोन उठाना, बोलना नहीं, अरे किसको या बोल किसी रहे को और हो सचिन? को। कहाँ से बोल रहे हो भाई साहब, मैं कहाँ से बोल रहे हो? आपसे पूछ रहा हूँ, ऐसी जिंदगी कब तक जियोगे? छिपने वाली जिंदगी से क्या फायदा है? तुम भाई अपनी साहब, जान भाई तो रखो ना यार भाई, बातें साहब, ये तो बता दो कहाँ से करता बोल हूँ रहे मैं। हो। मैं IDFC से बात कर रहा हूँ। आईडीएफसी? तो आईडीएफसी से क्या पूछते हैं आपकी? आईडीएफसी से बोल रहे हो, उसके भी आपसे बोल रहे हो? मैं वही तो कह रहा हूँ, आपसे जवान इतना छिप रहे तो लाइबिलिटी थोड़ी रखें, तो इससे छिपना ना पड़े यार भाई। भाई साहब मुझे ये बता दो, आईडीएफसी क्या बोल रहे हो, उसको भी आपसे बोल रहे मैं वही कह रहा हूँ, ज्ञान तो बहुत है आपको, क्या आईडीएफसी भी बोलना है, आईडीएफसी भी आपसे बोलना है, दो चार शब्द आपने सीख रखे हैं वही बोलने लगते हैं। आप आईडीएफसी बोलना भी आपसे बोल रहे हैं, मैं तो भाई। पूछ रहा इसको हूँ कौन उसका आ जवाब गया? दे नहीं रहे हैं आप। भाई साहब, मैं जो है ना, पहली बात तो जानता ही नहीं हूँ भाई कौन हो, मैं जानता ही नहीं हूँ बात को। तुम बताओगे तो मैं आगे बोलूंगा, बता ही नहीं रहे तो क्या नहीं, मैं वही करते तो कह रहा हूँ, ये चार पांच शब्द आपने गिन लिए हैं, किसी ने आपको रटवा दिया है तोते की बोलो। तरह कि आप अरे भी आपसे यार, बोल रहे हो, आज जो है ना, आईडीएफसी से बोल रहे हो। आज देखो बात मैं करते हैं अपना आपसे कह रहा मुंह। हूँ, आपकी लाइबिलिटी है, इसे चुकाओ। ऐसे कब सुनिए, तक भागते रहोगे बताओ आप? जब तक तुम पकड़ नहीं पाओगे यार। नहीं, भागने से तुम्हें खुद अपने आप में शर्म होती, जैसी घंटी बजती तो पहले तो दहशत रहती होगी कि बैंक वालों का फोन है या किसी रिलेटिव का फोन है, मैं मतलब एकदम दहशत लेडिप रहती का होगी तो, सबका लेडिप का तो देखो ऐसा है जो कि रियली बात है, लेडिप आपको। को तो नया नंबर दे दिया। ये सब जो है ना, जितना भी आता है बैंक वालों का आता है, पहले से पता रहता है मुझे। बाकी मैं जब तक तुम पकड़ नहीं नहीं पाओगे, अच्छा, तब तक नहीं भागूंगा। पता रहता है वो बात ठीक है, आपके मन में एक दहशत तो रहती है यार, बैंक वाले का फोन आ रहा है, बैंक अरे वाले का। दहशत? तुम्हें मेरी बात से दहशत लग रही है यार, कैसी बातें कर अरे सचिन भाई यार देखो, मैं सब समझता हूँ, कोई नया नहीं है ना, बीच बीच का बच्चा हूँ, मैं सारी जानता हूँ और सारे कस्टमर मैंने देखे हैं, तो इस इंडस्ट्री में मैं नया नहीं, जो हम हो? लोगों आपने की बात सारे बता रहे हो कस्टमर कि देखे होंगे, लेकिन आपने कुछ ना, जैसे कि आप मान लो 15 साल से काम कर रहे हो इस इंडस्ट्री में मानने के लिए, बाकी पता नहीं कितने सालों से काम कर रहे होगे, तो जी। आपने हर तरीके के कस्टमर देखे होंगे। लेकिन कुछ कुछ कस्टमर ऐसे होते हैं ना, जो 15 सालों के एक्सपीरियंस में भी आपने नहीं देखे होंगे, 15 सालों के बाद देखोगे, 20 साल के बाद देखोगे, तो ऐसे भी कस्टमर होते हैं। मैं वही तो कह रहा हूँ, चीजें खत्म करने की जगह आप छिप रहे हो, हाइड हो रहे हो। अरे भाई आप आओ, खत्म करो, नहीं, मैं तो डिफॉल्ट करने का आपने इंटेंशन चाहे लेके तो बैठा हूँ। डिफॉल्ट करते तो भैया ये 1.5 लाख रुपए डिफॉल्ट करते, तुम्हारा भी भला हो रहा हो तो बताओ। 1.5 लाख किसने बोल दिया सर? 30 लाख है टोटल, मल्टीपल है ना? अच्छा, मल्टीपल लोगों से ले रखा है, हाँ, मल्टीपल ले रखा है, और एनबीएसटी से भी 30 लाख है, सब मिला के। 30 लाख, 30 लाख में भी क्या हो रहा है? मतलब 30 लाख में तो आदमी सही जगह जगह लेने जाए ना, तो नहीं, ये अपनी जो है जेब ना, छतरी बन सकते हैं। डिफॉल्ट डिफॉल्ट करने का ना बाद में बना। ये पहले तो मैं लोन भर रहा था, जब मल्टीपल डेप्ट होगा ना, देने की कंडीशन नहीं रही, तो मैंने कहा क्या भाई हो अब गया ऐसा कि डिफॉल्ट आज क्या करो। हो गया ऐसा कि एकदम से मतलब हालत खराब होती चली गई? कुछ हालत खराब हमारे कारण हो गई, तो, रोटेट कुछ कर लिया तो ना, रोटेट कर लिया लोनों ये को, दो ट्रैक्टर लिए। रोटेट रोटेट कर लिया लोनों को, रोटेट, तो तो इसी कारण हमारी हालत बिगड़ गई। बाकी इसको ना अब तो सेटलमेंट करेंगे, वो भी अभी नहीं, टाइम बाद। जैसे मैंने भी सुना, आप अरे धीरे धीरे लड़के भी जाते हैं मेरे यहाँ से लेके आते हैं, तो आपने बताया अभी तो सेटलमेंट करने की चाहते हो, तो एक एक करके निपटाओ इसको। तो देखो है ही मन में, खत्म करने के भी मन में है, तो फिर इसको निपटाओ ना धीरे धीरे, नहीं अभी तो सारा क्यों सेटलमेंट लेट इसका हो रहा है? करेंगे 2 महीने बाद कुछ। छोटे छोटे लोन तो पहले निपटाओ ना, ये कहना चाह रहा हूँ। कितने का लोन है आपका? टोटल आउटस्टैंडिंग कितना है? 1,50,000। 1,50,000 है ना? तो आप मानते चलो मेरे पे 1 लाख का भी लोन है, तो छोटे छोटे की आप बात कर रहे हो, तो इसका नंबर अभी नहीं आएगा। तो वही तो मैं कह रहा हूँ, तो कोई भी मैंने ऐसा तो नहीं कहा मेरा निपटाओ, मैं कह रहा हूँ और भी जो छोटे हैं उनको निपटाओगे जब तो निपटेंगे। ठीक है सर, निपटा दें फिर आपके कहने पर। अगर निपटा रहे होते तो आज मुझे ये कहना नहीं पड़ता ना आपको, समझे आप बात? थोड़ा सचिन बाबू समझो, पढ़े लिखे व्यक्ति हो, कोई और हो यार तो चलो उससे अलग तरीके से बात की जाए। आप सिस्टमेटिक चीजें करके, सिस्टमेटिक जानते भी हो थोड़ा बहुत, उसके हिसाब से काम नहीं करते हो आप।
आप लोग समझिए, आप ऐसे करोगे तो आपका नेबर्स भी आपके दिमाग में फंसेगा, तो आपकी मार्केट ही गोल हो जाएगी, खराब हो जाएगी, डिफॉल्ट हो जाएगी, तो आप कहाँ आपके आपकी जगह से लोगों को और लोगों को लोन नहीं मिलेगा। ये चीज तो देखो ना, आप अपना नुकसान नहीं कर रहे हैं, तो मैं किसी लोगों का नुकसान नहीं कर रहा, मतलब मेरी वजह से किन लोगों को लोन नहीं मिलेगा। अरे ये भैया जब वो एरिया में पता है ये लड़का आया सचिन इस एरिया में, मल्टीपल बैंकों से इंटेंशन लोन लिया और दे नहीं रहा, तो हम उस एरिया में वही लोन पास करने के लिए सोचेंगे ना यार, कि भाई इसने दो चार लोगों को और ऐसे बोला होगा कि मत ले लो, फिर देना नहीं, दो चार ने उसने बोला। देखो वो तो ऐसा है, मैंने ऐसा है, देखो इसमें भी आना, आप जो बताया उसमें दो चीज है। पहली चीज क्या है, जैसे कि अगर मान लो कोई लोन नहीं देता है, कोई डिफॉल्ट करता है, तो सिविल की ऐसी तैसी हो जाएगी, अब वो उसकी इच्छा कराया ना कराया अपने सिविल की ऐसी तैसी, ठीक है। और दूसरी बात, जब अगर आप लोगों को प्रॉफिट चाहिए, जैसे कि लो रिस्क लो प्रॉफिट, मोर रिस्क मोर प्रॉफिट, तो अगर आप लोगों को मोटा प्रॉफिट चाहिए तो आप अनसिक्योर लोन जरूर दोगे उसको, और उससे कहीं ना कहीं प्रॉफिट लोगे। ऐसे नहीं आप नहीं दोगे, दोगे आप उसको। मैं कहता रहा हूँ नहीं देते भाई, मैंने कितनी एरिया मैंने ब्लॉक करवा रही थी मेरा चुनाव, आप बताओ। हाँ जी, तो मुझे देने में फायदा, मुझे तो मैं पैसे दे रहा हूँ, मुझे प्रॉफिट मिल रहा होता मैं देता, मेरा फिर आएगा नहीं तो प्रॉफिट कहाँ से मिलेगा भाई। पैसा आएगा जब पैसा आएगा ही नहीं वहाँ से, मुझे पता है सचिन के एरिया में, सचिन ने अपने जैसे कई इन्वेस्टर को लाइन में लगा रखा होगा, लोन लो ठीक है। आपकी बात चलो मैंने मान ली, आपकी बात मैंने एक्सेप्ट कर लिया, आपने एरिया ब्लॉक करा दिया, तो सेटलमेंट के बाद भी आप एरिया ही ब्लॉक कराओ, छोड़ थोड़ी जगह, फिर आप सोचोगे यार इसने बता दिया होगा सबको, सेटलमेंट भी होता है, उसका एरिया ब्लॉक ही करवा देता हूँ। तो मैं वही तो कह रहा हूँ, जब आप सेटलमेंट के लिए जब सीट कराते हैं तो मुझे ये लगता है कस्टमर ने कुछ फाइनेंशियल वो आया सेटलमेंट से तो नहीं, आपको बातों से लग जाएगा कि कस्टमर क्या कहना चाह रहा है। मेरे ऊपर ना अभी बिल्कुल मनी का हिसाब नहीं है मेरे पास, तो मनी का अरेंजमेंट ही कर रहा हूँ, इसका सेटलमेंट करेंगे, ऐसा नहीं नहीं करेंगे, लेकिन बस टाइम लग जाएगा, दो डेढ़ महीना लग जाएगा। नहीं वो बात ठीक है यार, मैं तो देखो कह ही सकता हूँ कि किसी की जेब से तो निकालने का काम मेरा है नहीं, लेकिन मैं आपको बेस्ट आइडिया दे रहा था कि यदि आप हैं करने के मूड में तो एक बार बैठ के उसको डिस्कस करके खत्म करो, ये कहना चाहता हूँ। बाकी तो चीजें आप खुद जानते हैं, समझदार हैं, ठीक है। एक दो महीने लगे कोई बात नहीं, एक दो महीने में आओ, आओ तो कम से कम, जबरदस्ती थोड़ी कि अभी करो ऐसा तो नहीं बोला ना मैंने, ठीक है। फिर इसका कुछ टाइम बात करते हैं साहब, चलो मैं अगले एक तारीख की बात करूँ, और बताओ क्या कह रहा सर। एक तारीख को दो तारीख को बात करूँ, बताओ आपका आज तारीख क्या है। देखो सर इसका क्या कहते हैं, वैसे मुझे कुछ ध्यान नहीं आया, मल्टीपल डेप्ट है, सब पेमेंट मैंने कब से नहीं किया नहीं, आपने इसका तो अभी टूटा चल रहा है, EMI टूटा चल रहा है, टू पे बजट बजट टू में, मैं कह रहा हूँ 3 EMI टूटी चल रही है, 3 EMI टूटी पर चल रही है। जी जी जी, अच्छा तो बजट 2 में है यानी ये केस है, तो फिर 2 में नहीं, DPD ये 19+ हो। तो देखो सर मेरे अकॉर्डिंग में थोड़ा सा ना अभी मेरे पास सेटलमेंट लेटर है, फिर मुद्दे की बात पे आ जाते हैं, बात क्या घुमाना फिराना, देखो अच्छा नहीं लगता ज्यादा घुमाना फिराना। तो आप घुमा रहे हो तो कहाँ घुमा रहे हैं, मैं तो सही बात कर रहा हूँ। तो HDFC के ना, HDFC के मेरे पास देखो सर सेटलमेंट लेटर तो 18% के पड़े हुए हैं, तो आप अगर इतने में अभी करा सकते हो, अभी वेवर दे सकते हो तो बताओ। 18 मतलब मुझे तो, और मेरे ख्याल से 16-17% करीबन में करवा सकते हो आप, देखिए मुझे पता है अभी वेवर आने वाला नहीं, राइट ऑफ के बाद आएगा। मैंने कहा ना 90 DPD क्रॉस कर चुके हैं, और मैं जो सेटलमेंट दूंगा ये मेरे पास ही, जब भी मैं मेरे पूरा लोकेशन मेरे अंदर है, तो आप कहीं भी जाएंगे, किसी के भी पास जाएंगे, आपको सतीजी के पास ही भेज देगा लोन। समझे नहीं आप मेरे कहने का मतलब, आप मेरे कहने का मतलब आपको जो दूंगा, नहीं आप जो डिमांड कर रहे हैं उसमें तो मैं कभी भी नहीं कर सकता। नहीं तो वही तो मैं आपको बता रहा हूँ, वो राइट ऑफ के बाद मिलेगा, या राइट ऑफ के बाद भी नहीं मिलेगा तो मैं उसका इंतजार विंटेज तक कर लूंगा, लेकिन मैं ना अभी ज्यादा पैसा देने वाली कंडीशन नहीं है, ना देना चाहता हूँ। जब सेटलमेंट करूंगा ही और सिविल विचार करूंगा ही, तो कम से कम मैं ना करूंगा सर। नहीं बात ठीक है, मैं करूंगा भाई, कभी भी आप मुझसे 6 महीने बाद भी करवाएंगे ना, तो भी मैं आपको 60,000 से नीचे नहीं करूंगा, 6 महीने का टाइम दे दूंगा। और एक बार ध्यान रखिए आप, अगर अच्छे से नोट करिए, ये बिना मेरी परमिशन के पूरा मेरठ NCR मेरे ही अंदर है, तो याद रख लेना मेरा नाम सतीश कुमार। जब भी आप किसी भी व्यक्ति से बात करेंगे
कपिल कुमार से ही आपका लिंक होगा और जिस तरीके से आप बात करेंगे तो कभी बात बन नहीं पाएगी। इसलिए मैं कह रहा हूँ झुकना पड़ेगा थोड़ा सा, थोड़ा बैंक आपके लिए झुकेगा लेकिन जितना आप सोच के चलना उससे नहीं हो पाएगा। आपका नाम क्या बताया? सतीश कुमार। तो मैं काम करता हूँ, फिर जब हिसाब बन जाएगा तो मैं आपको अपने दस्त से कॉल बैक कर लूंगा, ठीक है? देखते हैं अगर आप उस समय जैसे मेरे अकॉर्डिंग वेवर दे सके तो ठीक है, नहीं दे सके तो देखा जाएगा क्या करना है। बाकी मैं आपका नंबर ना सेव कर लेता हूँ, यही नंबर पे कॉल लग जाएगा ना आपके? जी ठीक है, तो मैं इसको सेव कर लेता हूँ सतीश कुमार के नाम से। जी सतीश कुमार HDFC। तो आपका क्या कहते हैं बैंकर हो ना आप? जब मैंने बता दिया कि मैं पूरे मेरिट को देख रहा हूँ तो यार बार बार ऐसी क्वेश्चन क्या करना है, क्या करूँ सर? ऐसा लगता है ना मुझे क्योंकि बैंक की तरफ से रिकवरी वाले झूठ भी बोलते हैं, तो पता करना मतलब दो तीन बार कर। जब आपसे मैंने कहा 6 महीने बाद भी बात करेंगे, साल और बात करेंगे, तो सतीश कुमार के पास ही नहीं। देखो ऐसा एजेंसी वालों में ना, जो एजेंसी वाले बंदे होते हैं हमारे तो कॉन्फिडेंस वाले भी बनते होते हैं। चलो वैसे कॉन्फिडेंस वाले बनते भी होते हैं तो झूठ भी ऐसे बोलते हैं, पता नहीं चलता, तो इसलिए मैंने कहा कंफर्म कर ही लो एक बार। और तो हम क्या बोलते हैं मिस्टर ध्यान से आके कंफर्म करा करें कि भैया ये बंदा है, ये सही है गलत है, टेलीफोन पे कैसे पता होगा? ये मैं सही कह रहे हो आप, तो फिर ध्यान से आओ फेस टू फेस बात करो। सही कह रहे हो, फेस टू फेस बात करते हैं आपसे, कुछ मौका बनाते हैं ऐसा जो आपसे बात हो। चलिए ठीक है सर, तो मैं आपका ना सतीश कुमार के नाम से सेव कर लेता हूँ। दोस्तों आइए साथ मिलकर अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ते हैं। ये जो रिकवरी एजेंसियाँ हैं, रिकवरी एजेंट हैं, या फिर यूं कहूँ कि बैंक और NBFC हैं, जो हमारे अधिकारों को कुचलकर रिकवरी करते हैं, इनसे अपने अधिकार छीनते हैं, लड़ते हैं, अपने अधिकार मांगते हैं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगती हो तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।